दोस्तों के साथ गड्ढा में नहाने गया नाबालिग लड़का डूबा। 6 दोस्तों के साथ गया था शिवम वंशकर। गड्ढे में शिवम को डूबता देख मौके से भागकर पहुंचे घर, शिवम के माता पिता को दी जानकारी। स्थानीय लोगों की मदद से नाबालिग को पानी में खोजा जा रहा है। सिटी थाना क्षेत्र के सहराई गांव के पास की है घटना। डबरा से ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। कितने लोग आए थे आप नहाने के लिए? नहाने कितने लोग गए थे? नहाने एक मैं था और एक गुरु एक और एक डूबा, बस तीन जने। डूबा कौन है? डूबा शिवम। तो आपके साथ वो नहा रहा था, क्या क्या हुआ वहाँ उस समय? मैं बता रहा हूँ ना मैं क्या क्या हुआ। मैं नहा रहा था और रोहित और जागिन और सुमित नहा रहे थे हम जी। हाँ सुबह कह रहा भाई मेरे को तैरना नहीं आता। नहीं नहीं आता भाई। कौन बोला तैरना नहीं आता भाई? शिवम। ठीक है। नहीं तैरना नहीं आता भाई मत ना। सो हमने नहा धो के हम निकल आए। सुबह ने टी शर्ट उतार ली, मतलब शर्ट उतार ली। शर्ट उतार के वो नीचे को चला। मैंने किधर जा रहा है भाई? कह रहा हूँ मैं इतना ही जा रहा, मैं नहीं आऊँ। चलो भाई उतरा वो। फिर वो नहा रहा था मारो रोहित, रोहित के संग नहा रहा था। फिर वो रोहित की पिटी में बैठ गया। अरे भाई यार रुक जा यार। तो आप लोगों ने उसको बचाया नहीं? बचाया ना सर, जैसा ही वो गया ना भाई पिटी में बैठा था सर। तो उसने ऐसा करा ना भाई, बगल में घड़ा घड़ा था तो वो डूबा ना। जैसे ही मैं कूदा सर, उसका हाथ पकड़ा ने वो फिर मिला ही नहीं है सर, उछरा ही नहीं है। फिर वो तो उनके घर वालों को सूचना करी थी आपने? हैं उनके घर वालों को सूचना करी आपने? सर वे पाजी थे, वे पकड़ रहे थे हमें। सी हम दौड़ लगा के भगे गत्तन को हम। तो उसको उसी में छोड़ गए आप? नहीं सर, बिना घर पे जावे वाले थे तो ना भैया वगैरह मिल गए जी। आ गए सी हम जिनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के भगे फिर हम इधर गए थे भैया।